नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्लाइस के क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मैं स्लाइस के क्रेडिट कार्ड का बहुत लंबे समय से यूजर हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरे पास 1 लाख का लिमिट है, 55,000 रुपये मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है, 44,000 रुपये कुछ रुपये मैं खर्च कर चुका हूँ। तो इन्हीं यूजेज के आधार पर आज मैं आपको बताऊँगा कि स्लाइस के क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, स्लाइस क्रेडिट कार्ड का यूज करने से हमारे क्रेडिट लिमिट पे कोई इम्पैक्ट आता है, क्या हमारी क्रेडिट लिमिट कम हो जाती है, क्रेडिट स्कोर हमारा कम हो जाता है, और इसको कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता है, क्या इसको अप्लाई करने के लिए हमको कोई पैसिफिक इनकम की ज़रूरत है, हमारी सैलरी का कोई फिक्स होनी चाहिए तभी हम अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट में सबसे सबसे ज़रूरी बात, हम इसको कहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं यही सब बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले स्लाइस के क्रेडिट कार्ड के बारे में। स्लाइस का जो क्रेडिट कार्ड होता है वो और क्रेडिट कार्डों से कुछ डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब आप किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपके सिविल में एज ए क्रेडिट कार्ड शो होता है, पर जब आप स्लाइस का क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपके सिविल में एज ए लोन शो होता है, वो आपको लोन देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्लाइस का जो क्रेडिट कार्ड है वो कुछ NBFC के साथ मिलके आपको लोन देता है। NBFC क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये कंपनी के एक्ट, कंपनी एक्ट की तरह काम करती हैं। अब जो बैंक है वो RBI के अंदर काम करता है, NBFC जो है वो SEBI के अंतर्गत काम करती है, बैंक RBI के अंतर्गत काम करते हैं। इस वजह से आपको ये क्रेडिट कार्ड एज ए लोन आपके क्रेडिट सिविल में शो करता है। और बैंकों में क्या होता है, और क्रेडिट कार्डों में क्या होता है, आपको 45 दिन का समय मिलता है, पर स्लाइस के क्रेडिट कार्ड में आपको सिर्फ 30 दिन का समय मिलता है, क्योंकि एज ए लोन होता है ये आपको एक क्रेडिट लाइन देती है। तो क्योंकि जैसे आप लोन लेते हैं तो आप चाहे 5 तारीख को लोन लें, चाहे 10 तारीख को लोन लें, जो बैंक का लोन का डेट फिक्स होता है उसी डेट को आपकी EMI जाती है। आप कभी भी लें, चाहे 15 के लिए, 20 के लिए, अगर आपकी फिक्स है EMI 7 को तो 7 को जाएगी। ऐसे स्लाइस के क्रेडिट कार्ड में है, स्लाइस के क्रेडिट कार्ड उसमें फिक्स है, 5 तारीख को अगर उसका EMI कटना है तो वो कटेगा, चाहे 25 तारीख को निकाले हो, चाहे 20 तारीख को निकाले हो, आपको 5 तारीख को देना ही देना है। ये होता है स्लाइस क्रेडिट कार्ड। स्लाइस का क्रेडिट कार्ड 30 दिन का ही समय देता है, ये इसका नुकसान है, पर इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर आप स्मार्टली यूज करें तो आपको ये 90 दिन का समय देता है। अब वो कैसे देता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं अपना उदाहरण देता हूँ आपको, समझिए। मैंने स्लाइस से 66,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड से, मान लीजिए, लोन लिया। 66,000 रुपये मैंने क्रेडिट कार्ड से निकाले स्लाइस के। निकालने के बाद क्या हुआ, अगर मैं किसी दूसरे बैंक से निकालता तो मुझको 45 दिन के बाद पूरे के पूरे 66,000 पे करना पड़ता, पर स्लाइस क्रेडिट कार्ड के साथ क्या हुआ, 66,000 रुपये मैंने निकाला तो मुझको वो पे करने के लिए 90 दिन का समय मिला। नो कॉस्ट EMI पे मैं उसको पार्ट में 3 बार में पेमेंट कर पाया। हर बार आपको मैं ये देखिए, आप अगर देख पा रहे हो तो मेरे पास 66,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड से मैंने लिया, लेने के बाद 22,000 करके 3 महीने में पे करना है, और उस पर कोई EMI नहीं लगेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। पर और बैंकों में अगर मैंने निकाला होता किसी दूसरे बैंक से तो 45 दिन के बाद जब उसका ड्यू डेट आता तो मुझको एक साथ पूरा पे करना पड़ता, और अगर मैं उसको EMI में कन्वर्ट कराता तो उसका मुझे चार्ज देना पड़ता। एक तो EMI का जो कन्वर्ट करने का जो फीस है वो देना पड़ता, उसके बाद उसका ब्याज देना पड़ता। पर स्लाइस क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं हुआ, उसमें मुझे पार्ट पेमेंट में करने का समय दिया, 22,000 करके मैं 3 बार में पे कर पाऊँगा। तो ये स्लाइस क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो आप इस तरह पूरा डिटेल सुनने के बाद आपको अपने हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि स्लाइस का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। अब इसके बाद जो अगला सवाल आता है कि स्लाइस क्रेडिट कार्ड यूज करने से आपके सिविल पे कोई इफेक्ट पड़ता है, तो मैं आपको बता दूँ, मैं स्लाइस का क्रेडिट कार्ड बहुत यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये मैं स्लाइस क्रेडिट कार्ड से मैंने पैसे निकाले हैं
और आपको मैं अपना सिविल स्कोर दिखाता हूँ पिछले 3 महीने का। ये आप देखेंगे 3 महीने का सिविल स्कोर है स्क्रीन जो आप देख पा रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा मेरे क्रेडिट स्कोर पे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो मैं अपने आधार पे आपको बता सकता हूँ कि स्लाइस का क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो आपको आपके सिविल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको टाइम टाइम पे उसका पेमेंट देना है। ये सभी बैंकों के साथ होता है। अगर आपके पास कोई कार्ड नहीं है, पहली बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पास क्रेडिट कार्ड हो जाए, तो स्लाइस क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि ना तो इसमें ज्वाइनिंग फीस है ना इसमें कोई एनुअल फीस है, ये पूरी तरह फ्री है। इसके बाद आपको बता, स्लाइस क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक सैलरी की ज़रूरत नहीं है, कोई सैलरी इनकम की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, और सबसे बड़ी बात आप 18 साल से ऊपर हो, कम से कम आपकी जो उम्र है एज है वो 18 साल होना चाहिए। अगर आप 18 साल के हैं तो आप स्लाइस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इस लिंक पे आप जाके, जो लिंक आप देख रहे हैं इस लिंक पे जाएंगे, जाके आप अप्लाई कर पाएंगे, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये छोटा सा मेरा अपना ओपिनियन था स्लाइस क्रेडिट कार्ड के बारे में।